हाय फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, जो आपका राइट साइड में रखा हुआ एकदम प्योर सॉल्वेंट है, जिसके अंदर सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ये आपका सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो अब यहां पे समझो, यहां पे सॉल्यूट होने की वजह से क्या होगा? इसका कंसेंट्रेशन कैसा होगा? हाई। और इसका कंसेंट्रेशन कैसा होगा? लो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूट नहीं है, जिसकी वजह से इसका कंसेंट्रेशन क्या है? लो। और ये कैसा है? एकदम प्योर सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है? और यहां पर समझ लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ लो होती क्या है। तो यहाँ पे देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? एक शीट है, आप इसको शीट बोल लो या फिर एक फिल्म बोल लो, जिसके पास क्या होता है? जिसके पास पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? छोटे 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 होल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे एकदम होल होते हैं, और ये होल का पूरा का पूरा आपस में एक नेटवर्क बना हुआ होता है, और ये होल ही यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो ये जो होल है खाली जाने देंगे, किसको पास करेंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। किसको? खाली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? नहीं जाने देंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। किससे स्मॉल होते हैं? इस जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को यहां से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने दिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक शीट होती है जिसके पास कई सारे होल का नेटवर्क होता है, माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं। ठीक है, और ये अलाउ करते किसको? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्यों नहीं? क्योंकि ये बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो, अब कंसेंट्रेशन किसका जाता है? इसका। और इसका कंसेंट्रेशन कैसा है? लो। जनरली आपने क्या पढ़ा होगा, हर एक चीज कैसे फ्लो होती है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे कैसा है? कंसेंट्रेशन इसका हाई है, इसका लो है, और ये कैसे फ्लो होगा? ऐसे, मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अब इसको दूसरे नजरिए से देखो। ठीक है, अभी आप किसके देख रहे हो? सॉल्यूट के बेस पे। अब आप लोग यहाँ पे देखो वाटर के बेस पे। ठीक है, अब समझो वाटर सबसे ज्यादा किसके पास है? मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एकदम प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, तो यहाँ पे वाटर का परसेंटेज कैसा हुआ? बहुत ज्यादा हाई है। किसकी कंपेयर में? इस सॉल्यूशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सॉल्यूट डाला हुआ है ना, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे वाटर का परसेंटेज हाई होने की वजह से ये क्या होगा? यहां से फ्लो करेगा सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो किसको पास होने दे रही? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं पास होने दे रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल पास होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं पास होंगे। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसको लिख लो, देखो बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो, मैं हट चुका हूँ, आप लोग इसको लिख लो पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन के भी बेसिस पे बताया हूँ और वाटर के भी बेसिस पे बताया हूँ। कंसंट्रेशन पे ये कैसा फ्लो होगा? लो टू हाई, लेकिन वाटर में कैसा फ्लो होगा? हाई टू लो। मेनली यहाँ पे बात किसको लेके चल रही? सॉल्वेंट को। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये सारा का सारा मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही सिर्फ पास कर रहा है और सॉल्यूट को नहीं कर रहा है। तो इसको आप लोग लिख लो, बहुत ही आसान था। अभी हम लोग देखते हैं आगे वाला हिस्सा। अगला जो देखते हैं वो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? तो समझो, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है कहां पे? टुवर्ड द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अब मेरे को क्या करना है, इस फ्लो को रोकना है, ठीक है, ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ से मेरे को इसको रोकना है। तो मैं कैसे रोकूंगा इसको, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं एक ऐसा लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या किया, प्रेशर दिया। और ये प्रेशर क्या करेगा, जब यहाँ पे प्रेशर, जब हम इसको दबाएंगे, जब प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, तो क्या है, ये प्रेशर का इफेक्ट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर भी पड़ेगा। जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से इसको प्रेशर दे रहे हो, दबा रहे हो उसको, दबाने की वजह से क्या होगा, प्रेशर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पर भी आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो ये इस फ्लो का अपना एक प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर को क्या करेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो प्रेशर अप्लाई किया हम लोगों ने सॉल्यूशन की साइड से, इसको रोकने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों ये था टॉपिक आज का आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको पढ़ लेना, बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़े कंफ्यूजन टाइप में होते हैं कि ये हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्यों जा रहा है, जनरली आप पढ़े होते हो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।